शेख, मेरा सवाल ये कि जैसे कि बार बार शेख आपके पास ये सवाल आता है नमाज के ताल्लुक से कि जो लोग बिदात करते हैं तो उनके पीछे नमाज पढ़ना है कि नहीं, तो मतलब आपने हमेशा यही जवाब दिया कि अगर हम उनको काफिर नहीं मानते हैं तो उनके पीछे नमाज जायज है। लेकिन आज मैं एक आलिम का ही सुन रही थी, तो वो बता रहे थे कि बिदात दो तरह की होती है, एक तो बिदाते मुकफ्फिरा और बिदाते मुफस्सिका। तो मतलब जो बिदात इस तरह की होती है जिसमें कुफर और शिर्क होता है, तो ऐसे लोगों के पीछे नमाज नहीं अदा की जाती है। तो शेख कहाँ तक सही है ये? जी, इनका इनका सवाल यह है शेख कि अगर कोई बिदाती जी है, अगर कोई बिदाती है तो क्या उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे कि नहीं। मैंने हमेशा ये जवाब दिया है कि जब तक वो दायरे इस्लाम के अंदर है, उसके इस्लाम से खारिज होने का फतवा सादिर नहीं हो जाता है, तब तक वो मुसलमान है, और हर मुसलमान के पीछे नमाज पढ़ना जायज है, चाहे वो बिदाती हो, फासिक हो, फाजिर हो। इनका कहना यह है कि बिदात दो किस्म की होती है। ये बिल्कुल सही बात है कि बिदात दो किस्म की होती है, एक बिदात मुकफ्फिरा और एक मुफस्सिका। एक वो बिदात जिसके करने से कुफ्र लाजिम आता है, दूसरी वो बिदात जो कुफ्र नहीं है, उससे कमतर दर्जे की है, फिस्क के दर्जे तक पहुंचती है। तो इनका कहना यह है, किसी से इन्होंने सुना है कि अगर कोई बिदाते मुकफ्फिरा का मुर्तकिब है तो उसके पीछे नमाज पढ़ना जायज नहीं है। देखिए, उसके पीछे नमाज पढ़ना उस वक्त जायज नहीं होगी जब बिदाते मुकफ्फिरा करने के बाद उसके काफिर होने का फतवा सादिर हो गया हो, क्योंकि कुफ्र करना ये अलग बात है, काफिर हो जाना ये अलग बात है। जैसे कोई आदमी शिर्क कर रहा है, तो शिर्क करने से ये तो वाजे बात है कि वो शिर्क कर रहा है, लेकिन क्या वो मुशरिक हो गया, क्या इस्लाम से खारिज हो गया? नहीं हो, क्योंकि इस्लाम से खारिज करने के लिए, कुफर का फतवा सादिर करने के लिए, तकफीर करने के लिए बहुत सारे शुरूत हैं, जवाबित हैं, मवाने हैं, उन सब की रियायत करते हुए किसी के दायरे इस्लाम से खारिज होने का फतवा सादिर होगा। तो अगर कोई बिदाते मुकफ्फिरा का मुर्तकिब है, तो जब तक उसके इस्लाम से खारिज होने का फतवा नहीं सादिर हुआ है, तब तक वो मुसलमान माना जाएगा, तब तक उसके पीछे नमाज पढ़ना जायज होगी। लेकिन शेख, एक जो नमाज वाला मसला है, उसमें मतलब हम देख रहे हैं कि भाई एक आदमी के अकाइद इसी तरह के हैं, मुकम्मल जो है कुफरी या शिरकी या अकाइद रखता है वो मुकम्मल तौर से, तो उसके बावजूद सिर्फ इस वजह से कि अभी उस पर जो है फतवा सादिर नहीं हुआ है, तो इस वजह से सिर्फ उसके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं। देखिए शेख, हम जैसे ही किसी इंसान के बारे, किसी मुसलमान के बारे में कहते हैं कि इसके पीछे नमाज पढ़ना जायज नहीं है, या इसके पीछे पीछे हमारी नमाज सही नहीं होगी, तो गोया कि दूसरे लफ्जों में हम डायरेक्ट उसकी तकफीर कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी इंसान जो मुसलमान है, उसके पीछे नमाज सही होगी। एक कायदा है, मन सहत सलातुहु सहत इमामतुहु, तो उसकी नमाज को हम सही मान रहे हैं। वो जैसे नमाज अगर पढ़ रहा है तो उसकी नमाज हम सही मान रहे हैं, क्योंकि अभी हम उसे दायरे इस्लाम से खारिज नहीं मान रहे हैं। जैसे ही हम कहेंगे कि उसके पीछे हमारी नमाज सही नहीं है, तो गोया कि दूसरे अल्फाज में हम उसको मुसलमान नहीं मान रहे हैं, और ये बहुत खतरनाक बात है। लिहाजा, और मैंने ये कभी नहीं कहा, या कोई भी आलिम दीन ये नहीं कहेगा कि अगर कोई बिदाती है तो आप उसके पीछे जाकर नमाज पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ो आप उसके पीछे नमाज, अगर आपके पास कोई चारा है तो। लेकिन अगर कोई पढ़ रहा है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उसकी नमाज सही नहीं है? बिल्कुल नहीं कह सकते, उसकी नमाज सही है अगर कोई उसके पीछे नमाज पढ़ा तो। ये अलग बात है कि आप उसके पीछे नमाज ना पढ़ो, आप मुत्तबे सुन्नत इमाम की तलाश करो, ऐसे इंसान को इमाम बनाओ ही ना। लेकिन अगर कोई नमाज पढ़ रहा है और हम कह रहे हैं कि आपकी नमाज सही नहीं है उसके पीछे, तो दूसरे लफ्जों में हम डायरेक्ट उसकी तकफीर कर रहे हैं। जी, ठीक है शेख, और जज़ाकल्लाह खैर। इसकी मैं मिसाल देता हूँ, कई बार मैं इसकी कई बार मिसाल भी दे चुका हूँ। उस्मान उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को जिन लोगों ने कत्ल किया था खवारिज ने, उनसे बड़ा बिदाती उस जमाने में कौन था? एक सहाबी को उन्होंने कत्ल किया और मुसलमानों की तकफीर कर रहे थे, वो सहाबे किराम की तकफीर कर रहे थे, और उन लोगों ने उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल भी कर दिया, जिनके जन्नत की बशारत मुतअद्दिद बार दी जा चुकी है,
जब मदीना के ऊपर वो लोग मुसल्लत हो गए और काबिज हो गए, उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर का मुहासरा किया कई दिनों तक उन लोगों ने, तो उस दौरान मस्जिद नबवी में नमाज भी वही लोग पढ़ा रहे थे, इमामत वही लोग करा रहे थे, और सारे सहाबे इकराम जो मदीना में मौजूद थे उनके पीछे नमाज पढ़ते थे। आप बताइए उनकी नमाज कैसे, उनकी नमाज के बारे में आप क्या कहेंगे, उनके पीछे नमाज पढ़ते थे। तो कोई भी जब तक उसके दायरे इस्लाम के अंदर रहने का अकीदा आपका है तब तक उसके पीछे आपकी नमाज सही है, ये अलग बात है कि आप नेक और साले और मुत्तबे सुन्नत इमाम के पीछे नमाज पढ़ें।